सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल कैसा होगा। ठीक है, अगर आप फिन निफ्टी का आज का चार्ट देखें, ठीक है, आज जो मूवमेंट देखें तो आज यहाँ पे ये खुला, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया, उसके बाद लास्ट पे नीचे जाके क्लोज किया। ठीक है, तो कल एक मूवमेंट मिल सकती है एक्सपायरी के दिन। ठीक है, एक्सपायरी के दिन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन बड़ा पैसा मिलता भी है और बड़ा पैसा जाता भी है, तो आपको स्टॉप लॉस रख के तो काम करना पड़ेगा। बिना स्टॉप लॉस का ऑप्शन ट्रेड करना मतलब बहुत घटिया चीज़ है। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपका पूरा कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाएगा, पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि स्टॉप लॉस के साथ एक्सपायरी में आप ट्रेड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 20600 का जो रेजिस्टेंस है, इसने आज इसको दो तीन बार टेस्ट किया है। ठीक है, तो कल अगर हम फिन निफ्टी की बात करें, कल अगर फिन निफ्टी यहाँ पे मतलब 20600 के नीचे, देखो ओपनिंग और सॉरी गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट, ये तीनों ओपन कैसे हो रहा है इसमें ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो ये 20600 के ऊपर, मान लीजिए 200 पॉइंट ऊपर गैप अप ऊपर हो गया, तो फिर उस उतना हमको मूव नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया सपोज 150 200 पॉइंट, तो उसमें भी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा खरीदने में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये फ्लैट खुलता है 20600 के नीचे, अगर फ्लैट खुलता है और एक मतलब एक 1.5 घंटा कंसोलिडेट करने के बाद, 11 12 बजे के बाद अगर 20600 को ब्रेक करता है, तो 60 70 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है हमको। ठीक है, मूवमेंट मिल सकता है, उतना हमको काफ़ी है, बिकॉज एक्सपायरी के दिन 60 70 पॉइंट इज अ बिग, वहाँ उस पर आपका ऑप्शन डबल ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, तो 20600 एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, 20600 क्रॉस करेगा तो एक अच्छा खासा हमको मूवमेंट मिलेगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक रेंज में, ये ऊपर का एक रेंज बनाया है, और जब ये ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे 20600 थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी लेंगे, बिकॉज एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी में थोड़ा सा अच्छा मूव आता है। ठीक है, तो 20600 है, तो या तो हम 650 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं या फिर 700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो रेंज है, ये रेंज एक एजुकेशनल पर्पस है, ये लेने खरीदने का बात नहीं कर, मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये जो है, ये आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा रेंज बना रहा है आज। ठीक है, तो आप 20600 के ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, और आज निफ्टी ने बेसिकली, आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन उतना अच्छा मुझे नहीं लगा आज निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाया। लेकिन आप देखिए, जो ये निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा के वापस ये नीचे आके क्लोजिंग किया है। ठीक है, 20 22 116 पे क्लोजिंग किया है निफ्टी। बेसिकली देखिए, स्लो स्टडी है, जो ऑप्शन बायर होता है उसको क्विक मूवमेंट चाहिए, क्विक मोमेंटम चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे 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 जा रहा है, तो मेरा ऑप्शन उतना बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो मुझे तो कल फिन निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, कल मैं फिन निफ्टी को ट्रेड करूँगा, और जब लेबल आएगा तभी ट्रेड करता हूँ मैं, लेबल नहीं आता है तो मैं बैठा रहता हूँ। ठीक है, लेबल आता है तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो लेबल आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं आएगा तो छोड़ दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलो पसंद लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें।